हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के लिए। हमने बहुत सुना है, मोस्टली जो रिकमेंडेशंस जहाँ से भी आप सुनते होंगे, जहाँ से भी आती होंगी, जो आप सीएनबीसी पे न्यूज़ देखते होंगे या जो रिकमेंडेशंस आपको ब्रोकर हाउसेस से आती होंगी, वो इसी तरह से होती हैं कि आज का सीएमपी इतना चल रहा है एंड इतना टारगेट है और इतना स्टॉप लॉस है। सो बेसिकली ये स्टॉप लॉस है क्या, क्यों लगाते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो स्टॉप लॉस को लेके व्हाट वुड आई से इज कि स्टॉप लॉस लगाना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो सो यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन योर स्टॉक्स। आपको ट्रस्ट ही नहीं है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो फिर हमारी बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सब बेकार है। स्टॉप लॉस एक ऐसी बात हो गई कि फाइनल डील करने से पहले ही, लाइक शादी करने से पहले ही डिवोर्स का एग्रीमेंट बना दिया कि अगर हो गया तो क्या करेंगे, इस तरह से। बट स्टॉप लॉस आई वोंट से इज कम्प्लीटली अ प्रॉब्लम। इट इज अ प्रॉब्लम फॉर कैश बेस्ड इक्विटी ट्रेडर्स ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप एफएनओ की बात करेंगे, इंट्राडे की बात करेंगे, तो उनको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा डेफिनेटली। आप देख सकते हैं लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है प्राइस ऊपर चला जाता है, और जब भी मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ तो प्राइस नीचे चला जाता है, प्राइस नीचे होता जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? इनको कैसे पता चलता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? जैसे ही स्टॉप लॉस लगा और प्राइस ऊपर चला गया, व्हाट इज दिस? वो स्टॉप लॉस वैसे लगवाया जाता है, वो मार्जिन, वो ऑपरेटर्स, उस तरह से चीजें बनाई जाती है। लेकिन इंट्राडे में डेफिनेटली स्टॉप लॉस इज नेसेसरी। ये भी डिपेंड करता है कि स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया जा रहा है, परसेंटेज बेसिस पर, या अगर कोई ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स है, तो जब आपका राइट शोल्डर मूव करता है उसके बाद अगर आपने सही तरीके से बाइंग करी है, इट्स जस्ट कि अगर वो पैटर्न जो आपने सोचा था वो बना ही नहीं, वो डेटीरियोरेट हो गया, तो आप क्या करोगे? बट जो एनालिसिस हमने सीखी है, हमने करी है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका चार्ट पैटर्न बनना खराब हो गया। सो आई वुड ऑलवेज से कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपने अपना पैसा सही तरीके से लगाया है एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस इस चीज पे लगाया हुआ है, इट्स लाइक अ वॉर। वॉर में जाने से पहले प्रिपेयर कर लो, एक बार आप गए सो देर इज नो कमिंग बैक। सो ट्रेड लेने से पहले प्रिपेयर कर लो कि आपको क्या करना है। एक बार आपने ट्रेड ले ली उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद स्टॉप लॉस मत लगाओ, सोच समझ के ट्रेड लो। स्टॉप लॉस यहाँ लगाओ कि आप किस तरह की कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो, इस चीज पे स्टॉप लॉस लगाओ। आपकी जो कंपनी जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कभी पास में फ्रॉड नहीं हुआ होना चाहिए। कोई सिक कंपनी मत सिलेक्ट करो, कोई लॉस मेकिंग कंपनीज मत सिलेक्ट करो। ऐसी कंपनी जिसमें बहुत मैनेजमेंट इश्यूज थे या हैं, इस तरह की कंपनीज हमें नहीं सिलेक्ट करनी है। जो मार्केट लीडर्स नहीं है उनको नहीं सिलेक्ट करना है। जो बहुत ज्यादा हाई डेट कंपनीज हैं उनको नहीं सिलेक्ट करना है। जिनका आरओसीई बहुत कम है उनको नहीं सिलेक्ट करना है। जो कंपनीज अच्छी हैं बट बहुत ज्यादा लाइफ टाइम हाई पे चल रही हैं, तो चीज बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है, हम मॉल तब जाते हैं ना जब डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं तब खरीदते हैं, तो कोई बहुत लाइफ टाइम हाई पे चल रही है तो उस टाइम हमें इस तरह से, हमें बाइंग करने से पहले हमें स्टॉप लॉस लगाना है। 5% से ज्यादा आप एक स्टॉक में मत लगाओ। तो अपने आपका जो डिसिप्लिन है उस पे स्टॉप लॉस लगाना है, सिलेक्शन ऑफ कंपनीज पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने ग्रेट कंपनी सिलेक्ट करी है, व्हाट इज ग्रेट कंपनी? बेसिकली ग्रेट कंपनी इज जो कंपनीज हाईएस्ट नेट प्रॉफिट दे रही है, मार्केट लीडर है, डोमिनेंट प्लेयर है, और इतनी अच्छी कंपनी में से अगर स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आपका मार्केट हिट हो गया एंड स्टॉप लॉस लग गया और मैंने एग्जिट कर दिया, देन व्हाट इज द सेंस? सो ग्रेट कंपनीज बेसिकली जो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, ग्रेटेस्ट नेट, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट्स कंपनी ने अपने पोस्ट करे हुए हैं, एंड कंपनी में जो टेक्निकल्स हैं वो आपको ये दिखा रहे हैं कि ओवरऑल ये कंपनी को ऊपर जाना ही है। सो डेफिनेटली हम अपने हिसाब से, हमें जितनी बिजनेस की समझ है उस हिसाब से वी कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। हम क्योंकि हमने चार्ट के बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया है, बिजनेस, फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स, अगर हमने इनके बेसिस पे सिलेक्ट किया है सो वी मस्ट गिव उसको, हमें 6-8 महीने का तो टाइम देना होगा, तभी आपको 20% 40% गेन मिलेगा। हर बार आप सोचेंगे कि 20% की कैंडल एक ही दिन में बननी चाहिए, सो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड।
आप दुल्हन से पहले ही दिन तो काम नहीं करवाते हैं जब वो घर आती है। जब हम रियल एस्टेट और जब हम बाकी सारे असेट्स खरीदते हैं तो हम उनको बहुत सारा टाइम देते हैं। हम कहते हैं ना, 20 साल पहले मेरे दादाजी ने ये शेयर खरीदा था, 20 साल पहले मेरे पापा जी ने ये जमीन खरीदी थी। और जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक्स में भी अगर आप उनको सफिशिएंट टाइम देंगे, 6 महीने 1 साल देंगे, सो हमारा 40-45% गेन आफ्टर टैक्स कहीं भी नहीं गया है। अगर एक स्टॉक टाइम लगा रहा है, सो जस्ट वेट, ऑपरेटर उसको लेकर जाएगा। जो बेसिक नेचर होता है ना एक कंपनी का, एक बहुत अच्छी कंपनी का, वो ऊपर जाना ही होता है। ऑपरेटर उसको घुमा सकता है बहुत देर तक, कंसोलिडेशन में रख सकता है, वो भी अक्यूमुलेशन कर रहा है, बट अल्टीमेटली इट विल गो अप। और अगर वो खराब कंपनी है ना, इसका मतलब ये नहीं है वो नीचे रहेगी, इसका मतलब ये है कि वो भी साइडवेज चल सकती है। मोमेंटम की वजह से ऑपरेटर उसको ऊपर लेके जा सकता है क्योंकि उसको भी अपना सेल करना है, सो वो ऊपर जा सकती है, बट अल्टीमेटली क्योंकि उसके फंडामेंटल सही नहीं है, सो अल्टीमेटली उसको नीचे ही जाना है। अब इंट्राडे में क्या होता है, लोग शॉर्ट करते हैं। अगर एक शेयर प्राइस ऊपर जाता है ऊपर जाता है, और अगर वो ग्रेट कंपनी है और वो ऊपर जा रही है, अब वो नीचे आएगी कि नहीं पता नहीं। और एंड ऑफ द डे क्या होगा, ब्रोकर जो है वो सारी पोजीशंस को कट ऑफ कर देगा, क्लोज कर देगा एंड ऑफ द डे, जो भी अमाउंट पे रहेगा वो क्लोज कर देगा। वहां पे इंट्राडे में ट्रेडर्स को डर लगता है कि अब ये प्राइस नीचे आएगा कि नहीं पता नहीं। इट डिपेंड्स वो शॉर्ट कर रहा है या बाय कर रहा है, इसलिए उनको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। अब एफएनओ में क्या होता है, एफएनओ में भी और इंट्राडे में भी ये बात एप्लीकेबल है। कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं स्पेसिफिक जो एफएनओ वाले शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो एफएनओ वाले शेयर्स होते हैं ना, उसमें कोई सर्किट नहीं होता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं होता है। बाकी स्टॉक्स में क्या होता है, अपर सर्किट होता है। लेट्स से 100 रुपीज का स्टॉक है, तो वो अगर सारे कितना भी प्रेशर आ जाए, 100 का स्टॉक 110 जाएगा, वो 110 से ऊपर जा ही नहीं सकता अगर 10% का अपर सर्किट है तो। 10% अभी अगर किसी को भी बेचना है, वो 110 में बेचेगा, उससे ज्यादा प्राइस वो कोट कर ही नहीं सकता क्योंकि सर्किट लग गया, अपर सर्किट लग गया, क्योंकि अदरवाइज इट वुड बिकम गैम्बलिंग, कुछ भी प्राइस कोट करेंगे तो। इक्विटी मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं उसमें अपर सर्किट होता है और लोअर सर्किट भी। एक दिन में एक स्टॉक एक हद तक नीचे जाएगा, लाइक 100 का 90 जाएगा, 90 से नीचे नहीं जाएगा, एक हद तक वो नीचे जाएगा। अच्छा, एफएनओ में कैसा रहता है कि लेट्स से 20-80, अगर 20% मार्जिन हमारा है, 80% मार्जिन ब्रोकर का है। अगर आपने 5 लाख का सामान खरीदा, 5 लाख का सामान खरीदने पे 2 लाख रुपए हमने लगाए एंड 1 लाख रुपीज हमने लगाया एंड 4 लाख रुपीज आपके ब्रोकर ने लगाए। अब जब ये ट्रांजेक्शन हुई, अगर 20% का भी मूवमेंट आया, 20% का मूवमेंट आया, आपने लॉन्ग किया था, और अगर ये प्राइस ऊपर चला गया, तो जैसे ही ये प्राइस ऊपर चला गया, 1 लाख पे आपने 1 लाख कमाया, यानी कि आपका पैसा डबल हो गया। और लेट्स से अगर 20% डाउन आ गया था, 1 लाख पे आपका 1 लाख चला गया, 1 लाख चला गया, दैट मीन्स वी हैव बिकम जीरो। अच्छा, 20% की जगह 30% की भी मूवमेंट हो सकती थी, तो 1,50,000 चला जाता। 50,000 हमें अपनी पॉकेट से देना पड़ता, और अगर ये 50,000 हमारे लेजर में पड़ा है तो वहां से मूव हो जाता ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक, मार्क टू मार्केट मार्जिन एडजस्ट हो जाती। बट अगर हमारे लेजर में नहीं पड़ा है तो हमारा जो ब्रोकर है वो उस पोजीशन को ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। अब ये जो अपर सर्किट लोअर सर्किट होते हैं, ये 5%, 10%, 20% के बेसिस पे होते हैं, और ये उस इट डिपेंड्स ऑन स्टॉक टू स्टॉक एनएससी बीएसई ने लगा कर रखे होते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट एफएनओ वाले शेयर्स, जो शेयर्स जिन पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट होता है, वहां भी अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो वहां भी वो ट्रेडर फंस जाएगा। कैसे फंस जाएगा, लेट से उसने लॉन्ग करी है पोजिशन, एफएनओ वाला भी फंस जाएगा, इंट्राडे वाला भी फंस जाएगा। लेट से पोजिशन उन्होंने लॉन्ग करिए, बाय करा है, अब बाय करा, और अगर ड्यूरिंग द डे अपर सर्किट लग गया, क्योंकि इन्होंने कोई लोअर सर्किट लग गया, सॉरी, इसने बाय करा है और लोअर सर्किट लग गया, अब लोअर सर्किट लग गया, इसको लगा था कि प्राइस ऊपर जाएगा, मैं बेच दूंगा। लेट्स से मैंने 100 रुपीज में बाय करा है टू सेल एट 120, बट 90 पे लोअर सर्किट है,
तो मुझे 95-94 एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर इंट्राडे ट्रेडर ने नहीं रखा है स्टॉप लॉस और वो प्राइस 90 पे आ गया, लोअर सर्किट लग गया और पूरे दिन में वो लोअर सर्किट नहीं खुला, तो लोअर सर्किट पे ऐसा होता है कि अब वो बेच ही नहीं सकता है, उस पर्टिकुलर स्टॉक को बेच ही नहीं सकता है, क्योंकि देर आर नो बायर्स, किसको बेचेगा, देर आर ऑल सेलर्स सेलर्स सेलर्स, नो बायर्स। सो स्टॉप लॉस नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर ऑफ ही नहीं कर पाएगा, और अगर ये स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएगा तो उसको पेनल्टी लगेगी, और नेक्स्ट डे और पेनल्टी लगेगी, क्योंकि वो स्टॉक नेक्स्ट डे और नीचे खुलेगा। और सेम शॉर्ट में होता है आपका सेल में, मतलब अगर उसने सेल कर दिया, राइट, उसने सेल किया 90 पे और सोचा कि मैं सुबह 80 पे बाय कर लूंगा, बट अपर सर्किट लग गया, 100 चला गया, 110 चला गया, जो भी उसका अपर सर्किट था, और क्योंकि वो ग्रेट कंपनी है तो वो तो अपर सर्किट मतलब ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, तो फिर से उसको डबल पेनल्टी ट्रिपल पेनल्टी लगती जाएगी। बट जिस तरह की ट्रेडिंग हम करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, वहां पर हमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आई वुड अगेन से स्टॉप लॉस लगाओ अपने डिसिप्लिन पे, अपने ग्रीड पे, अपने फियर पे। वो पैसा जो आपको 2-3 साल तक नहीं चाहिए, यू आर श्योर, उसको आप लगाओ। अपनी अनसर्टेनिटीज को पहले से प्लान करके रखो, जैसे कि आपका इंश्योरेंस टर्म प्लान, तो टर्म प्लान पहले से लेके रखो, सो दैट उस तरह की कोई अनसर्टेनिटी नहीं आए। अपने घर वालों को भी बोलो, दे शुड ऑल्सो हैव देयर टर्म प्लान। उसके अलावा मेडिक्लेम्स, प्रॉपर मेडिक्लेम्स अगर सबके पास हैं, अच्छे सफिशिएंट कवर्स हैं सबके पास, सो ऐसी कोई इमरजेंसी, ऐसी कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, कि अगर आई सो इट वुड बी कवर्ड। हमने उसको पहले से प्रोटेक्ट करके रखा है, पहले से हमने उसके लिए प्लान करके रखा है, वो हमारी सेविंग्स को अफेक्ट नहीं करेगी। अब जिस टाइम हॉस्पिटलाइजेशन के कुछ इश्यूज होते हैं, तो उस टाइम 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसी, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ तो दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे बात हो जाती है। डिपेंड्स ऑन कि इश्यू क्या है, बट वो इशू ये नहीं देखता कि सामने वाले का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। सो बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड विथ मेडिक्लेम टर्म प्लान, ये 2 चीजें हमारे पास हैं। उसके अलावा जो भी सेविंग्स हैं जो हमें नियर फ्यूचर नहीं चाहिए, सो उन सारे पैसे को डू इन्वेस्ट इन इक्विटी, बट कैश बेस्ड इक्विटी, ग्रीड नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना, तो आई बिलीव फिर उन स्टॉप लॉस लगाने वाले लोगों के पास ना कैपिटल ही नहीं बचता। वो कहते हैं कि हम ना अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 4% ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस लगाएंगे, 2% नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस लगाएंगे, बट उनके पास कैपिटल ही नहीं बचता है एक पॉइंट के बाद प्रोटेक्ट करने के लिए। हर बार उनके स्टॉप लॉसेस इस तरह से हिट होते हैं। अगर आपने अपनी कंपनी सही बिजनेस एनालिसिस, सही फाइनेंशियल एनालिसिस, सही टेक्निकल एनालिसिस करके करी है, अगर आपके पास सॉलिड रीजंस हैं कि इन टेक्निकल्स के बेसिस पे इस कंपनी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, ये प्रॉपर डोमिनेंट प्लेयर है, और आपने 100 की प्राइस बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटीमेंट्स, बिकॉज ऑफ कोविड क्रैश 30 चल रही है, बट ये सेंटीमेंट्स बहुत ही टेम्पररी हैं, सो उस टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप स्टॉप लॉस लगाइए अपनी अपना ऑर्डर प्लेस करने से पहले। एंड अगर आप 3% से ज़्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाते हैं, आपको कभी भी कभी भी कभी भी लॉस नहीं होने वाला है, आपका पोर्टफोलियो नहीं हिलने वाला है। लोग बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस के बारे में फिर बात क्यों करते हैं, स्टॉप लॉस बनाया किसने जब इसमें इतनी प्रॉब्लम है। बिकॉज माई स्टूडेंट सेमी की रिशिता मैम, वॉट इज द प्रॉब्लम, वाई यू आर सो अगेंस्ट स्टॉप लॉस, फिर स्टॉप लॉस बनाया क्यों। अब आप देखो, 95% ऑफ द रिकमेंडेशन तो आपके फोन में जो मैसेजेस आते हैं ब्रोकर हाउसेस से ही आते हैं, राइट। अब ब्रोकर हाउसेस को भी क्या चाहिए, उनकी ब्रोकरेज चाहिए, कमीशन चाहिए, वो ब्रोकरेज कमीशन कहाँ से मिलेगी, बिजनेस कैसे चलेगा। सो वो चाहते हैं अगर प्राइस ऊपर गया, टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो अभी तक तो कोई ट्रांजेक्शन करेगा नहीं, स्टॉप लॉस तक भी अगर प्राइस नीचे गया तो लोग बेचेंगे नहीं, क्लाइंट का पैसा फंस गया है। सो व्हाट डू पीपल डू, ये लोग इस तरह की रिकमेंडेशन बनाते हैं कि प्राइस ऊपर जाए तो भी और प्राइस नीचे जाए तो भी ट्रांजेक्शन हो, ट्रांजेक्शन होगी तो उनको ब्रोकरेज मिलेगी, उनका भी बिजनेस चलेगा, राइट। यू सी 1500 कंपनीज हैं एनएसई में जो बहुत अच्छी हैं,
ठीक है, उसमें से 500 कंपनीज तो टॉप निफ्टी टॉप 500 आप लिस्ट सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगी। उसके अलावा मैंने आपको इतने पैरामीटर्स सिखाए हैं जिसके बेसिस पे आप टॉप कंपनीज अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हो। हमें कितनी कंपनीज चाहिए ट्रेड करने के लिए? 15 20, 20 कंपनीज भी सिलेक्ट करी तो 5% पर स्टॉक में, दैट्स इट। कभी भी आपका अगर आपने 5% एक स्टॉक में लगाया और कोई स्टॉक 20% से भी कभी नीचे आ गया, 50% से भी आ गया, तो 2.5 आपके 100 के पोर्टफोलियो पे सिर्फ 2.5 का ही फर्क पड़ेगा ना, दैट्स इट। और जितने स्टॉक्स आपके मूवमेंट दिखाते जाएंगे, प्राइजेस बढ़ती जाएंगी, उतना प्रॉफिट बुक करते जाएंगे। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अर्निंग गुड मनी फ्रॉम योर, यू हैव टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू। नो वन कैन स्टॉप यू कि आप 45-50% गेन निकालें आफ्टर टैक्स। जब हमें, जब आपको डॉक्टर बनना होता है, लोगों को एमबीए बनना होता है, सीए बनना होता है, तो हम 5 साल 6 साल पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वी डू अ लॉट। बट ये सब हम क्यों करते हैं कि 6 साल बाद हम डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। स्टॉक मार्केट जहां पर, मतलब जो मनी प्रिंटिंग मशीन है, जहां पर आप जो सबसे बड़ी सबसे बेस्ट जगह है, एबंडेंस वाली जगह है, जहां पर आप आके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, वहां लोग जंप मार देते हैं। जैसे कि मतलब स्विमिंग पूल में भी ऐसे जंप नहीं मारते, ओशन में सीधा जंप मार देता कि ठीक है, वहां के लिए ना कुछ सीखना है, ना कुछ करना है, ना कोई कोर्स लेना है, ना कोई बुक्स पढ़ने हैं, ना अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है, कुछ नहीं। इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, सो यू हैव टू रन इट लाइक अ बिजनेस, नॉट लाइक इसकी बात सुनी उसकी बात सुनी। जब हम बिजनेस करते हैं तो क्या हम ऐसे करते हैं, हमारे नेबर ने हमें कहा अरे ये खरीद लो, हमने वो खरीद लिया, हमारा अम्ब्रेला का बिजनेस है और हमने स्वेटर्स खरीद लिए। नहीं ना, हम सोच समझ के ट्रेड लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, पहले सीखते हैं, समझते हैं किसी से वो बिजनेस, रिसर्च करते हैं, उसके बाद काम करते हैं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।